दोस्तों, मीरा बाई चानू इस नाम को अब कौन नहीं जानता है। हमारे देश को पहले दिन ही ओलंपिक्स में मेडल दिलाने वाली ये पहली भारतीय बन चुकी हैं। दोस्तों, जब एक बार आप सक्सेस को छू लेते हो फिर हर जगह आपके बारे में ही बातें होने लगती है, पर उसके पीछे का स्ट्रगल कोई भी नहीं बताता है। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर कैसे मीरा बाई, जो एक समय पर अपनी माँ की हेल्प करने के लिए अपने कंधों पर लकड़ियाँ उठाया करती थी, आज वही मीरा बाई ने पूरे देश का भार अपने कंधों पर उठाया ही नहीं बल्कि उसको एक मुकाम भी दिया है, जिसके बाद भारत में बहुत सारी आने वाली लड़कियां मीराबाई चानू जैसा बनना चाहेंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इनकी फैमिली से। तो इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा से अच्छी नहीं रही थी। इनके पिता की मंथली इनकम करीब 3 से 5 हजार के बीच में थी, जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ता था। इसलिए इनकी माता ने एक चाय का छोटा सा स्टॉल भी खोला था ताकि उससे कुछ इनकम हो जाए। और दोस्तों, मीराबाई चानू बचपन से ही अपनी माँ को काम करते देख के वो हमेशा ये कोशिश करती थी कि कैसे भी करके वो अपनी माँ की हेल्प करे, जिससे उनके ऊपर ज्यादा काम का भार ना आए। इसलिए दोस्तों, कभी कभी मीराबाई चानू अपने कंधों पर लकड़ियां या फिर कोई और भारी सामान एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया करती थी। तो इससे आप ये बात तो समझ ही सकते हो कि इनको वेट उठाने की आदत बचपन से ही हो गई थी। पर उस टाइम पे दोस्तों, इनका कोई शौक नहीं था वजन उठाना, इनकी मजबूरी थी इसलिए उनको ऐसा करना पड़ता था। तो दोस्तों, मीराबाई चानू को स्टार्टिंग से ही स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, पर उस टाइम पे वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उनको आखिर कौन सा स्पोर्ट्स खेलना चाहिए। तो वो जब अपने आसपास किसी को फुटबॉल खेलते हुए देखती थी तो उनका भी मन करता था फुटबॉल खेलने का, पर वो फुटबॉल सिर्फ इसलिए नहीं खेलती थी क्योंकि उसमें कपड़ों के साथ साथ शरीर भी गंदा हो जाता था। तो दोस्तों, मीराबाई चानू को कोई एक स्पोर्ट तो सेलेक्ट करना ही था, पर वो एक ऐसा स्पोर्ट चाहती थी जिसको साफ सुथरा रहकर भी खेला जा सके। तो इसके बाद मीराबाई चानू का ध्यान आर्चरी की तरफ गया, और जब वो आर्चरी सीखने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इम्फाल सिटी में था, वहां गई, तो वहां जाकर उनको ये पता चला कि आर्चरी की ट्रेनिंग उस टाइम पे वहां पर कोई भी नहीं देता था। तो दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कुंज रानी देवी के कुछ वेट लिफ्टिंग के वीडियोस देखे, जो कि एक और बहुत ही फेमस वेट लिफ्टिंग मेडलिस्ट हैं। तो इनके वीडियोस देखने के बाद मीराबाई चानू इनसे इंस्पायर हुई और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको भी एक वेट लिफ्टर बनना है। फिर दोस्तों, इसके बाद वहीं इम्फाल सिटी में ही इन्होंने अपनी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग अनिता चानू से ली, जो कि एक फॉर्मर एशियन मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो दोस्तों, जब अनिता चानू ने इनको पहली बार देखा था तो मीराबाई चानू के फिजिक को देखते हुए उन्होंने ये कहा था कि ये एक अच्छा वेट लिफ्टर बन सकती है। और दोस्तों, उस वक्त में मीराबाई ने कुछ ही दिनों के ट्रेनिंग में 70 किलो का वजन उठा लिया बहुत ही आसानी के साथ, जो कि बाकी के बच्चे बहुत ही मुश्किल से कर पाते थे। दोस्तों, शायद आपको ये याद भी नहीं होगा कि ये वही मीराबाई चानू है जिनको रियो ओलंपिक्स 2016 में डू नॉट फिनिश रिजल्ट का टैग मिला था। जिनको भी डू नॉट फिनिश रिजल्ट का मतलब नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रियो ओलंपिक्स 2016 में मीराबाई चानू ने जितने भी वेट लिफ्टिंग की थी उसमें उनका पोजीशन सही ना होने की वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों उनको बहुत ही रोना आया और वो बहुत ही उदास भी हुई। और इन्होंने रियो ओलंपिक्स 2016 में सिर्फ एक ही क्लीन लिफ्ट किया था, वो भी 82 केजी का। और दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये खबर सुनने के बाद उनकी फैमिली को भी अच्छा नहीं लगा, और एक टाइम ऐसा भी आया जब मीराबाई चानू ने ये सोचा कि वो ये स्पोर्ट खेलना छोड़ देंगी। पर दोस्तों, उनके फैमिली ने, उनके कोचेस ने पूरा सपोर्ट दिखाया उनकी तरफ, और दोस्तों उनको मेंटली डिप्रेशन में कभी भी जाने नहीं दिया। और दोस्तों, फिर फाइनली उन्होंने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में है, वहां पर अपनी लाइफ के 5 साल सिर्फ ट्रेनिंग में बिताया, और इन 5 सालों में वो सिर्फ 5 हफ्तों के लिए ही अपने गांव गई थी। इससे आपको उनके डेडिकेशन का भी पता चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम करने के लिए डेडिकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते ही रहते हैं। और दोस्तों, इनकी सफलता में हमें इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये सारे ऑर्गेनाइजेशन ने भी मीराबाई चानू पर उतना ही विश्वास दिखाया जितना कि उनके फैमिली ने किया था उनके ऊपर, और सबने मिलकर उनको पूरा सपोर्ट किया ताकि वो अपने गोल पर अच्छे से फोकस कर पाए। और इतनी मेहनत करने के बाद आज मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। बाय द वे, सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनसे पूछा गया कि आप क्या करेंगी इसके बाद, तो उनका जवाब था कि मैं सबसे पहले पिज्जा जाके खाऊंगी, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के बाद उनको ये सब खाने के लिए नहीं मिलता था। और दोस्तों, इसी मौके का फायदा डोमिनोज ने उठा लिया और साथ में अपना प्रमोशन भी कर दिया। तो डोमिनोज ने मीराबाई चानू को लाइफ टाइम के लिए डोमिनोज का पिज्जा फ्री देने का प्रॉमिस दिया है। तो दोस्तों, ये थी मीराबाई चानू की पूरी कहानी। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा कुछ और नए यूनिक फैक्ट्स के साथ। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलना, और दोस्तों शेयर करके फैला दो जितना फैला सकते हो आप लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।